भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बीते 3-4 साल के बाद ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। मार्ग एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा काफी मजबूत है। जम्मू में ही अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर बनाया गया है। आतड़के सिन्हा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाए जाने से पहले पूजा पाठ की, जहां भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने इस साल भी ये यात्रा लोगों के लिए फलदायी होने की उम्मीद जताई है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। यात्रा शुरू करने जा रहे भक्तों ने हर हर भोले के जयकारे लगाए। बता दें कि इस यात्रा पर आतंकी हमले के साए को देखते हुए चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर और जम्मू श्रीनगर मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और इसको लेकर मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारी सहयोगी अभिलाषा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि जानकारी देंगी। अभिलाषा जी, किस तरह से अमरनाथ यात्रा का जब पहला जत्था रवाना हो चुका है, जो श्रद्धालु हैं उनके बीच कैसा उत्साह? श्रद्धालु जो हैं उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ और खुशी के साथ इस यात्रा की शुरुआत की है। हर हर महादेव के और बम बम भोले के नारे लगाते हुए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। हालांकि विधिवत रूप से ये यात्रा जो है वो कल पहलगाम और बालताल आधार शिविर से शुरू होगी, लेकिन आज जो जम्मू का भगवती नगर का आधार शिविर है वहां से यात्रा को जो है वो रवाना कर दिया गया है और लगभग 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो जत्थे में शामिल है और पुरुष और 11 महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। आपको बता दें, जैसे बीते कुछ दिनों यहाँ पर आतंकी हमले भी हुए थे तो सुरक्षा को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और जब यात्रियों से इसके बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय या डर नहीं है, वो पूरे विश्वास और संतुष्टि के साथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, मनोज सिन्हा का भी कहना है कि 3-4 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। चप्पे चप्पे पर किस तरह से निगरानी आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी वहां पर कैसी नजर आ रही है अभिलाषा जी? जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और उधमपुर से पहलगाम के रास्ते पर 10 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं ताकि 24 घंटे जो है वो उस यात्रा की जो रवानगी हुई है उस पर पूरी 24 घंटे मॉनिटर उसको किया जा सके। और हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर के बाद जो है सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा के हवाले से किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। जी अभिलाषा जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि पहला जत्था रवाना हो चुका है, इस दौरान लोगों की तरफ से किस तरह से खास रिएक्शन भी सामने आए और प्रशासनिक तरफ से, क्योंकि अगर हम देखें कि जगह जगह पर जो निगरानी है आतंकियों के को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर यहां पर काफी सख्त नजर आ रही है, लोगों का सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ कहना है, कितने आश्वस्त हैं वो? सुरक्षा के हवाले से अगर मैं बात करूं, लोगों के माथे पर एक जरा सी भी शिकन जो है हमें देखने को नजर नहीं आई, वो बहुत ही संतुष्ट हैं और उन्होंने बहुत ही उत्साहित होकर यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सुरक्षा बल पर और प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। और इस बार खास करके क्योंकि आतंकी हमले जो है हाल ही में डोडा, रियासी और राजौरी में हुए हैं तो सुरक्षा को लेकर थोड़ा नाजुक स्थिति बनी हुई थी, लेकिन हाल ही में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने भी सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया था और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया था, तो लोगों में काफी संतुष्टि और आश्वस्त लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, वो बहुत मुतमईन है, उनमें किसी प्रकार की कोई डर या कोई अगर भय का भाव जो है वो नजर नहीं आ रहा। जी अभिलाषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।